उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितं पितुः। जो परिभाषा पुत्र की है वही परिभाषा शिष्य की है, क्योंकि बिंदु सृष्टि में जिसे पुत्र कहते हैं, नाद सृष्टि में उसे ही शिष्य कहा जाता है। उत्तम पुत्र अथवा उत्तम शिष्य वही है जो पिता अथवा गुरु के मन में जो भाव आवे उसे वह बिना कहे साकार करके दिखा दे। मध्यम पुत्र अथवा मध्यम शिष्य वह है जो पिता अथवा गुरु की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। अधम कौन है? बोले अधमो श्रद्धया कुर्यात्। अधम पुत्र अथवा शिष्य वह है जो आज्ञा पालन तो करता पर अश्रद्धा पूर्वक करता है। इनर मिनर करके गए, हम कोई कह दिया, हम कोई कह परेशान करते हैं और किसी से नहीं कहा, उसको कह देते, उसको कह देते, मैं ही एक हूं, मुझे ही बुला लेते हैं, मुझे ही कह देते हैं, ऐसा मन में आ जाता है सेवा करते समय, वो अधम पुत्र अथवा अधम शिष्य है। और जो सीधे सीधे कह दे कि गुरुजी हमसे नहीं होता, पिताजी हम नहीं कर सकते, आप ही कर लो, तो कहते अकर्तो चरितम पितुः। जो सीधे सीधे जवाब दे दे उसको उच्चरित कहते हैं। उच्चरित माने होता मलमूत्र। वो पिता का पुत्र गुरु का शिष्य कहलाने लायक नहीं, वो मलमूत्र के समान है। मलमूत्र का कोई संग्रह करके रखता है? नहीं, उसका तो त्याग ही किया जाता है। इसलिए ऐसे पुत्र अथवा ऐसे शिष्य का त्याग कर देना चाहिए जो सीधे सीधे मना कर दे कि हम नहीं कर सकते। अब स्थिति तो ये है, गुरुजी उठे 4 बजे, राम जी ऐसे शिष्य हैं तो गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान, तो राम जी जल्दी सो गए होंगे इसलिए जल्दी जग गए। नहीं, जल्दी नहीं सोए राम जी। विश्वामित्र जी गुरु जी लेटे हैं, राम जी लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं और गुरु जी उसमें भी कथा सुनाने लग गए। तो निशा जुग जाम सिरानी, रात्रि को संस्कृत में त्रियामा कहते हैं, 3 आम वाली, क्योंकि 4थे आम में तो ब्रह्म वेला आ जाती है, वो रात्रि है ही नहीं। तो 2 आम तो कथा कहते कहते बीत गए विश्वामित्र जी के, अब 3रा आम शुरू हो गया। तो बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुवर जाए सहंतव कीनी। ऐसे नहीं कि वो प्रतीक्षा में हूं कि गुरुजी कब कहें हम छोड़ के भगें सेवा, नहीं नहीं, बार बार मुनि आज्ञा देनी, बार बार कहा, तब राम जी प्रणाम करके गए। राम जी लेट गए, लक्ष्मण जी लगे चरण दबाने। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, वत्सल भैया लक्ष्मण, बहुत रात्रि हो गई, फिर समय कितना रह जाएगा विश्राम का, जाओ वत्स लक्ष्मण, थोड़ा विश्राम कर लो। राम जी तो लेटे, पर लक्ष्मण जी लेटे नहीं, ऐसे हुए ही थे, तब तक मुर्गा बोल गया कुकड़ू कू। तब उठे लखन निसी विगत सुने अरुण सुखा धुन कान, गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। अब सबसे पहले गुरुजी जगे, बाद में सब चेला जगे। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि हमारे जी बताते थे हमारे काका गुरु थे हनुमानगढ़ी में, सरपंच बाबा के गुरु भाई थे, बड़े पहलवान थे, बहुत पहलवान उन्होंने बनाए। तो बोले सवेरे सवेरे एक प्रभाती गाते थे, जागिए हुरदंग देव भोर भयो प्यारे, हाथी घोड़ा प्यासे ठाणे, दादा गुरु तुम्हारे। फिर भी नहीं उठते तो फिर लाठी से वो प्रभात फेरी करते थे, प्रभात प्रभाती गाते थे, लाठी उठा के गाली फिर लाठी। ये है। तो गुरुजी जल्दी उठ गए, का बेटा उठ जाओ, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो चेला बोला, गुरुजी मूड पिरा रहो, पेट में बहुत दर्द हो रहो, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि कोई घुस के भीतर तो जा नहीं सकता, तो मानना ही पड़ेगा कि जरूर सिर में दर्द होगा, पेट दर्द हो रहा है। ठीक है भैया, सो जाओ। बोले बेटा अब उठ जाओ, कुछ नहीं तो झाड़ू लगा लो,
तो ठीक है गुरुजी, अब झाड़ू कैसे, आज तो बहुत तबीयत ढीली है, एकदम कमजोरी लग रही है। अच्छा तो कोई बात नहीं, कुछ गौशाला में ही चले जाओ। कहे नहीं नहीं गैया तो बहुत मरखनी होती हैं, कोई कोई लात भी चला देती हैं। अरे भाई धार तो काढ़ लो। बोले कि श्री विग्रह खंडित हो जाएगा इसलिए नहीं। तो चलो ठीक है गौ सेवा हम कर लेते हैं, तो मंदिर में पूजा कर लो। बोले गुरुजी आपने एक दिन कथा में सुनाया था पूजा में 32 अपराध होते हैं, हम तो अभी नए नए चेला हैं, हमसे तो 64 हो जाएंगे। गुरुजी सीधे साधे थे, भक्तमाली जी के जैसे थे, तो गुरुजी ने रसोई भी बना ली, गौ सेवा भी कर ली, सेवा पूजा भी कर ली और भोग भी लगा दिया। कहा बेटा माधव दास, हाँ गुरुजी प्रसाद पालो। बोले महाराज आपने ही प्रवचन में कहा था आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, गुरुओं की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए, ये आखिरी आज्ञा है, इसको तो हम कैसे टाल सकते हैं। तो भैया ऐसे चेलों का कल्याण कैसे होगा, चाहे भले ही भगवान ही क्यों न चले आवे। माई मेरे श्याम लग्यो।